चैनल। तो गाइस मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं आपकी संध्या। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मैं आ चुकी हूँ फुल डे मील चैलेंज करने के लिए। तो लास्ट मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि 200 रुपीज़ के ऊपर मैं मील चैलेंज करूँगी, लेकिन गाइस मैं 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ में ऑलरेडी मैंने चैलेंज कर लिया है, और 200 रुपीज़ में चैलेंज करना उतना भी चैलेंजिंग नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों के पास एक रिक्वेस्ट, मतलब आप लोगों के लिए, मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि 200 रुपीस में मैं कैसा टाइप का मील चैलेंज करूँ। मतलब कोई पर्टिकुलर खाने के ऊपर स्ट्रीट फूड करूँ, या फिर कोई स्पेशल कोई ब्रांड के ऊपर, या नॉर्मल जो मैंने कुछ भी खाया था, मतलब पूरा दिन का जो मील चैलेंज है वो करूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हूँ। बैक टू द पॉइंट, आज का जो पॉइंट है वो है 500 रुपीस में मैं डोमिनोज से फुल डे मील चैलेंज करने वाली हूँ। तो देखते हैं ये चैलेंज मैं कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि लास्ट बार 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ चैलेंज में मैं वो कंप्लीट किया था और फाइनली मैंने 1 रुपया भी बचाया था। चलिए मेन वीडियो में चलते हैं। और अगर गाइज आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मेरा कोई भी वीडियो आए आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए आउटलेट में चलते हैं और देखते हैं क्या खाते हैं। आउटलेट में, मतलब डोमिनोज का आउटलेट में, और ऑर्डर भी हम लोगों ने दे दिया है। तो ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर दिया है टोमेटो पिज़्ज़ा। तो टोमेटो पिज़्ज़ा मैं कभी भी ट्राई नहीं किया है पहले, क्योंकि टोमेटो मुझे उतना खास पसंद नहीं है। तो लेकिन इसका प्राइस सबसे कम है पिज़्ज़ा मेनिया में, तो इसलिए मैंने सोचा यही खाया जाए। तो चलिए आता है, 10 मिनट बोले लगेगा, तो आता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं और जल्दी जल्दी खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी है। चलिए तो गाइस पिज़्ज़ा हम लोगों का आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने, एक मिनट रुकिए, काट लेते हैं। तो गाइस ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, ये है टोमेटो पिज़्ज़ा। तो इसका जो प्राइस है 59 रुपीज़ है, लेकिन हम लोगों को ये 62 रुपीज़ में पड़ा है। गाइस ये अगर आप लोग घर में ऑर्डर करेंगे तो जो डिलीवरी चार्ज मिला के ये अराउंड 70 रुपीज़ का पड़ जाता, तो यहाँ पे आया है तो इसलिए 3-4 रुपये ज़्यादा लिया है। मतलब 59 रुपीज़ नॉर्मल प्राइस है और 62 रुपीज़ ऑल, मतलब टैक्स वैक्स लगा के लिया है। तो चलिए ठंडा हो जाएगा तो उसके पहले खा लेते। टोमेटो उतना पसंद नहीं है, लेकिन सच में टोमेटो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। एक टैंगी सा एक फ्लेवर है आ रहा है, और बहुत ही अच्छे से बनाया है, बहुत ही अच्छे से। चीज़ जो है ना एकदम गर्म है अंदर से। तो चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के, मतलब ये खाने के बाद मिलते हैं। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया है और पिज़्ज़ा है गाइज, एकदम पेट भर चुका है। और जो ज़बरदस्त टोमेटो पिज़्ज़ा बना है इन लोगों ने, मतलब क्या बोलूँ। तो मैं सोची थी लेक मॉल उस साइड में जाऊँगी दोपहर के लिए, तो मैं भाई को बोला कि चलो दोपहर में भी यहीं पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खाली खाली भी है, बात करने में थोड़ा इजी भी रहता है, और पैसा का भी तो बात है, क्योंकि एक लिमिटेड प्राइस में हम, मुझे जो है ये चैलेंज कंप्लीट करना है। तो इसलिए जितना कम पैसे में हो पाए उतना ज़्यादा आइटम मैं ऐड कर पाऊँगी आज के इस चैलेंज में। तो चलिए अभी निकलते हैं और मिलते हैं दोपहर में सेम आउटलेट में, लेकिन दूसरा कोई आइटम के साथ। चलिए तो गाइस दोपहर हो चुकी है और मैं अभी जा रही हूँ सेम आउटलेट में ही। तो भाई थोड़ा मतलब कहीं पे गया है, तो वहाँ से आते आते उसे 15-20 मिनट और हो जाएगा, तो मैंने बोला डायरेक्ट तू आउटलेट में ही आ जा। तो ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाली हूँ, तो चलिए दुकान में चलते हैं। और सुबह मैंने क्या क्या, मतलब सारा दिन में क्या खाऊंगी वो मैंने ही पूछा था दुकान में, उसका प्राइस वगैरह। तो आज अभी टाइम है, भाई नहीं है, तो वो भी मैं दुकान में जगह अभी कर लूँगी।
तो देखते दुकान भीड़ है या खाली। खाली खाली रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। चलिए आगे। तो गाइस भाई को मैंने कॉल किया था, तो भाई बोला 5-10 मिनट में ही घुस रहा है, तो अभी वेट करने से अलावा कोई ये नहीं है। चलिए खाना आता है और क्या ऑर्डर किया है वो भी दिखाऊंगी, और फिर भाई भी आ जाएगा। तो आ गया है भाई। बस হ্যাঁ অর্ডার করে দিয়েছি। দাঁড়া আসুক আসুক। तो आ गया है हम लोगों का पास्ता। तो इसको मतलब ये ऑर्डर हुआ है 156 मतलब 157 रुपीस में। वाह, दिखने में तो काफी बढ़िया है। हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है, और क्वांटिटी मुझे थोड़ा कम लग रहा है। मतलब दोपहर के हिसाब से मेरा पेट भरेगा कि नहीं, कन्फ्यूज्ड हूँ मैं। और काफ़ी सारा चिकन जो है मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए चिकन है, ऑनियंस है, तो ये क्या है नाम भूल गई मैं, रुक जाओ। तो गाइस ये चिकन टिक्का पास्ता है। तो मैं पास्ता कभी भी डोमिनोज से ट्राई नहीं किया है। वैसे ये क्वांटिटी मुझे थोड़ा कम लगा प्राइस हिसाब से। और अंदर जो है चिकन का बहुत सारा जो है चंक्स दिखाई दे रहा है, ऑनियंस है, और पास्ता जो है ये वाला पास्ता दिया है। इस हिसाब से अगर मैं इस पैसे में मतलब 156 रुपीस में अगर मेनिया से मेरा दो पिज़्ज़ा आ जाता, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा डिफरेंट भी करना चाहिए, आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगता है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट। तो उसके चक्कर में शायद मुझे अभी दोपहर के लिए कम खाना पड़े। ये ग्रेवी का जो फ्लेवर है, वाओ मोमो में एक सीजलर मिलता है उसमें एक ग्रेवी दिया रहता है, तो उसके साथ एकदम बहुत ही सिमिलर है, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे। तो मुझे तो सीजलर बहुत पसंद है, वाओ मोमो का टेस्ट अच्छा लगा। ये मैं ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या खाता है शाम को। मतलब मुझे पता है लेकिन आप लोगों को नहीं, तो उसके लिए वीडियो को आगे तक देखते रहिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। हो चुकी है शाम और अभी टाइम है इवनिंग स्नैक्स का। इवनिंग स्नैक्स के लिए मैंने कुछ हल्का पुल्का ही कुछ सोचा था, लेकिन वो पूरा हिसाब जो है पूरा बिगड़ गया, क्योंकि दोपहर का जो खाना है मतलब पास्ता जो मैंने खाया था उससे मेरा पेट प्रॉपर तरीके से भरा नहीं। इसलिए अभी जो है मुझे थोड़ा थोड़ा भूख लगना स्टार्ट भी हो गया है, और अभी स्नैक्स खाना ज़रूरी भी है क्योंकि मैं और भाई जा रहे हैं मूवी देखने, तो 7:30 बजे का एक शो है, तो अभी नहीं खाएंगे तो स्नैक्स पूरा मेरा जो है मिस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने भाई को भेज दिया है दुकान में, सेम आउटलेट में ही जाएगा और मेरा खाना जो है वो लेके आएगा। और घर में भी मैं ऑर्डर कर सकती थी, लेकिन घर में ऑर्डर करने से वो 70-80 रुपीज़ ज़्यादा ले रहा था। तो अभी जो है स्नैक्स के लिए ऑलरेडी मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हैवी साइड में खाना ले रही हूँ, उसके ऊपर अगर मैं ऑर्डर करूँगी तो और ज़्यादा 70-80 रुपीज़ खर्चा हो जाएगा। तो डिनर के लिए मेरा सच में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ठीक है चलिए खाना आता है, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलिए तो गाइस शाम के लिए मैंने ऑर्डर किया है ये गार्लिक ब्रेड, तो ये थोड़ा सा हेवी रहेगा, और गार्लिक ब्रेड तो विदाउट ये डिप अच्छा नहीं लगता, तो एक चीज़ी डिप भी मैंने लिया है। और ये जो है दोनों मिला के टोटल मुझे कॉस्ट पड़ा है 152 रुपीज़। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। देखिए ये एकदम बेसिक जो गार्लिक ब्रेड है वही मैंने लिया है, तो इसलिए इसके साथ ये वाला चीज़ डिप ज़रूरी था, नहीं तो ये एकदम सूखा सूखा खाया नहीं जाएगा। तो चलिए ये वाला चीज़ जो डिप है इसे ओपन करते हैं और उसके साथ इसे लगा के खाते हैं। तो गाइस ये रहा चीज़ डिप,
इथू सा चीज डीप 30 रुपीज, सोच सकते हैं। तो मैंने सोचा गार्लिक ब्रेड जो है थोड़ा अच्छा वाला, अंदर जो स्टफिंग रहता है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 160-170 रुपीज था, तो ये दोनों मिला के 152 रुपीज हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा बेसिक सा जो है वही लेती हूँ। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं, मतलब इसके साथ मैंने ये गार्लिक ब्रेड कभी ट्राई नहीं किया है। इसकी स्वाद मान लो लग रहा है, ओरिगानो भी दिया है, ओरिगानो भी थोड़ा सा डाल देती हूँ, तो थोड़ा सा ओरिगानो भी दे देती हूँ, अच्छा लगेगा, जो बेसिक सा ही ब्रेड है। काफी सॉफ्ट है, तो चलिए गाइस मैं ये पूरा खत्म करती हूँ, उसके बाद सीधे आप लोगों से मिलते हैं साउथ सिटी में। चलिए फाइनली हो चुकी है डिनर टाइम और मूवी देखने आए थे, मूवी देखना हो गया, अभी खाली खाली है क्योंकि अभी 10:30 बज रहा है। तो चलिए एक सीट ढूंढ लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं क्या खाते हैं रात के लिए। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चिकन सॉसेज 115 जेटा मेनियर मध्ये आछे एटा निच्छि। अभी डिनर आ चुका है, ये रहा, खरो खोल लो जल्दी जल्दी। खूब सारा ओरिगानो दो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, खूब सारा ओरिगानो दो। और पहले तो सॉसेज को ऐसे लो, अरे ओरिगानो बाहर गिर रहा है। तो आज रात का डिनर कैसा लग रहा है? सॉसेज जो है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है सॉसेज, देखो अरे निकाल के कौन बोल रहा है रहने दो उसके अंदर आके बता। बहुत अच्छा, तो ये जो पिज़्ज़ा है ये भी काफ़ी नरम है और सॉसेज भी काफ़ी सारा दिया है, मतलब 125 रुपीज में काफ़ी अच्छा है। तो मैं खा लेती हूँ उसके बाद हम लोगों से। अभी हम लोग निकल जा रहे हैं और काफ़ी देख सकते हैं खाली हो चुका है क्योंकि अभी 11:30 बज रहा है। तो चलिए घर जाके वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि बहुत कुछ बताना भी है। तो और मैं अभी थक चुकी हूँ अभी खाना खा के, तो चलिए घर जाके वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस मैं घर आ चुकी हूँ और फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है ये पूरा दिन का मील चैलेंज। और ये वाले डोमिनोज चैलेंज काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था लास्ट बार के चैलेंज के हिसाब मतलब मुकाबले, क्योंकि लास्ट बार मुझे 100 रुपीज़ और 50 रुपीज़ में ही खाना खाना था, लेकिन कुछ भी मैं खा सकती थी। लेकिन इस बार ये नहीं था, मुझे डोमिनोज से ही खाना खाना था और वो भी 500 रुपीज़ में, और उसके ऊपर मैंने अपना चैलेंज खुद ही ज़्यादा टफ कर दिया, इसलिए क्योंकि मैंने जो भी खाना दिखाया है मतलब जो भी मैंने मील में ऐड किया है वो विथ टैक्स ऐड किया है। ऐसा नहीं कि जो प्राइस सिर्फ दिखा रहे हो मेनूज में मैंने वो दिखाया है, विथ टैक्स मैंने दिखाया है। तो वो उसके वजह से ये चैलेंज काफ़ी चैलेंजिंग था। चैलेंज जो है मैंने कंप्लीट किया है वो भी 4 रुपये बचा के, तो उसके लिए बोल सकते हैं मेरा पूरा दिन का मील चैलेंज सक्सेसफुल रहा। चलिए वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और किसी भी कारण से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मेरा वीडियो आए आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी आ जाए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ।
Till then, good night, goodbye.